मोदी रोजगार दो योगी रोजगार दो, ये कैंपेन ट्विटर पर चलाया जा रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी का आवेदन फार्म आ गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल घर पर। दोस्तों यूपी पुलिस भर्ती 2021 यूपीपीआरपीबी ने जारी किया 9534 दारोगा भर्ती का नोटिफिकेशन। जाने योग्यता, सैलरी, आवेदन समेत खास बातें अब पुलिस SI रिक्रूटमेंट 2021। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर SI की 9534 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल पदों में 3613 पद अनारक्षित हैं, 902 पद EWS, 2437 पद OBC, 1895 SC, 180 ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी और 30 अप्रैल 2021 तक आवेदन किया जा सकेगा। SI के 9534 रिक्त पदों में नागरिक पुलिस में 9027, प्लाटून कमांडर PAC में 484 और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पद हैं। योग्यता, नागरिक पुलिस व प्लाटून कमांडर PAC में SI पद के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए साइंस साइड में ग्रेजुएट, आयु सीमा 21 से 28 वर्ष, यानी अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1993 से पहले व 1 जुलाई 2000 के बाद न हुआ। उत्तर प्रदेश के SC ST OBC वर्ग को आयु सीमा में 5-5 वर्ष की छूट दी जाएगी। वेतनमान 9300-34800 व ग्रेड पे 4200 रुपए कद काठी संबंधी योग्यता ऊंचाई सामान्य OBC व SC वर्ग के लिए कम से कम 168 सेमी, ST वर्ग के लिए 160 सेमी, सीना सामान्य OBC व SC वर्ग के लिए बिना फुलाए 79 सेमी और फुलाकर 84 सेमी, ST वर्ग के लिए बिना फुलाए 77 सेमी और फुलाकर 82 सेमी। ध्यान रहे कि कम से कम 5 सेमी सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिलाओं के लिए ऊंचाई सामान्य OBC व SC वर्ग के लिए कम से कम 152 सेमी, ST वर्ग के लिए 147 सेमी। वजन सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 40 किलोग्राम। कैसे होगा चयन, लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा। लिखित परीक्षा का पैटर्न, लिखित परीक्षा 400 अंकों की होगी जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे की इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में 4 अलग अलग विषयों का 1-1 प्रश्न पत्र होगा। सामान्य हिंदी 100 अंक, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान 100 अंक, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा 100 अंक। लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी। महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। फाइनल मेरिट, ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। आवेदन फीस जनरल व OBC 400 रुपए, SC ST 400 रुपए। इच्छुक उम्मीदवार pbpb.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी नौकरी व सभी तरह के पेपर संबंधी जानकारियों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन पर चेक जरूर लगाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।